दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम देवक अग्रवाल है और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ एक छोटे से काम को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और वो नहीं कर पाते और जीवन भर ये सोचते रहते हैं कि काश मैं ये कर लेता। दोस्तों ज़िंदगी में हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा काल जरूर आता है जिसे उसको लगता है कि ये करना उसके लिए असंभव है, पर जब कोई दूसरा व्यक्ति उसकी ज़िंदगी में आकर वो कार को संभव बना लेता है तो हमें लगता है कि वाह, अरे ये व्यक्ति तो लकी है, ये व्यक्ति तो बहुत ही बॉर्न गिफ्टेड बंदा है। सरल शब्दों में कहूँ तो असंभव कार को करने के लिए एक छोटा सा वर्ड लगता है और वो है मेहनत, जो कि आपने कभी की ही नहीं। और बिना मेहनत के आप असंभव का और बिना मेहनत के किए जाने वाले हर छोटे कार्य या बड़े कार्य में अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो वो हमें असंभव ही लगता है। दोस्तों कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं होता, बस थोड़ा कठिन होता है, बट क्योंकि हम उसे सरल तरीके से नहीं कर पाते इसलिए वो हमारे अंदर असंभव बनकर बैठ जाता है। जैसे आज के डेट में टेक्नीशियनों के लिए आईसी पर काम करना, आज के डेट में टेक्नीशियनों के लिए सर्किट पर सप्लाइयों को समझना, तो उनको वो लगता है कि ये मेरे लिए असंभव है, ये तो बहुत पढ़े लिखे लोगों की बात है, या तो ये तो उन लोगों की बात है जो ऑलरेडी 10 साल से काम कर रहे हैं। पर दोस्तों इसके पीछे का गणित आपने नहीं पढ़ा कि जब तक आप उस पर मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आपको नहीं लगेगा कि ये कुछ भी, जब तक आपको नहीं लगेगा कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर किसी काम को किसी व्यक्ति ने कर दिखाया है तो वो मैं भी कर सकता हूँ, ये सोच रख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पर लोग काम को असंभव समझकर अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और वो काम को करना ही बंद कर देते हैं। दोस्तों अगर आपको याद है तो क्रिकेट में 300 रन बनाना भी एक असंभव था कि 300 रन बनाने वनडे में, क्योंकि 200 रन 250 रन मुश्किल से बन पाते थे, 300 रन बनाना असंभव था। और जब अगर कोई टीम 300 रन को पार कर देती थी या 300 रन 320 ऐसा कुछ कर देती थी तो हमें लगता था कि यही टीम जीतेगी, क्योंकि दूसरी टीम के लिए इतना रन बनाना एक असंभव काम था। धीरे धीरे पिच पर रन भरने की गति बढ़ती गई और अगर आपको याद होगा 1996 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और चार विकेट खो के उसने 436 रन 50 ओवर बनाए। अगर आप लोग में से कोई क्रिकेट नहीं देता तो ये बात आप सुन लीजिएगा कि चार विकेट खो के अगर आप में से कोई क्रिकेट नहीं देखता तो ये बात सुन लीजिएगा कि 436 रन 50 ओवर में तो सुन के भी असंभव लगता है। उसके बाद आपने क्या सोचा होगा, मैंने भी यही सोचा था, दुनिया ने भी यही सोचा था कि साउथ अफ्रीका तो 100 रन भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि वो अपने दिमाग में उसने टारगेट सेट कर लिया होगा कि ये तो मैं अचीव ही नहीं कर सकता क्योंकि असंभव है। दोस्तों इससे बड़ा उदाहरण दुनिया में आज तक नहीं निकला कि साउथ अफ्रीका ने ना कि वो मैच जीता 438 रन बना के उसने ना कि वो मैच जीता, बल्कि एक विकेट भी उसके पास था और एक बॉल भी बच गई और उससे 4 रन ज्यादा बनाया। सोचा आपने, 4 रन ज्यादा बनाए और एक बॉल भी बची हुई थी और एक विकेट भी उनके पास था। तो इतना बड़ा उदाहरण जब दुनिया में है, इतना बड़ा उदाहरण आपके सामने है, तो क्यों आप छोटे छोटे कामों को असंभव मानते चलते हैं? क्यों आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा, मैं पेस्टेड आईसी पे काम नहीं कर पा रहा, मैं सर्किट पे काम नहीं कर पा रहा, मैं आईफोन पे काम नहीं कर पा रहा, मैं सॉफ्टवेयर नहीं सीख पा रहा, क्यों आपको ये लग रहा है कि ये मेरे लिए असंभव है? जब इतने बड़े काम, जब साउथ अफ्रीका ने ये नहीं सोचा कि 436 का टारगेट 50 ओवर में, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि जिस टाइम वो खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन था, आपको याद होगा लगातार 3 बार वो वर्ल्ड चैंपियन बना उस टाइम पे। दोस्तों कोई भी काम असंभव नहीं होता, बस कठिन होता है, पर हम उसे असंभव मान लेते हैं। वो कहते हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तू इस काम को असंभव मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तू इस पर प्रयास करना छोड़ दे, पर दोस्तों फर्क पड़ेगा तेरी जिंदगी पे अगर तू हिम्मत छोड़ के हार मान के ये सोचेगा कि ये काम मेरे लिए नहीं। और मेरी एक बात याद रखना कि आपकी जिंदगी में एक इंसान आएगा, जो आपके उस असंभव काम को संभव कर देगा, तब आपकी जिंदगी में वो इंसान छा जाएगा और शायद आप उसको कहेंगे अरे वाह ये तो लकी है, बट आप मेहनत नहीं कर रहे इसलिए आप पीछे हैं पूरी दुनिया से। आपके उस असंभव के चक्रव्यूह को कोई चुटकी में ढेर कर रख जाए, आपके उस असंभव के चक्रव्यूह को कोई चुटकी में ढेर कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
और आप यही सोचते रह जाएंगे कि यार ये काम तो मुझसे नहीं हो सका। दोस्तों जाते जाते बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस असंभव शब्द को अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए और हर काम को संभव बनाइए, पर संभव काम तभी होगा जब आप उस पर लगातार प्रयास करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो से आपने कुछ मोटिवेट हुए हो, क्योंकि मेरा यही मानना है, क्योंकि मेरा यही इस वीडियो के पीछे प्रयास है कि मेरी ये छोटी सी बात आपके दिमाग तक पहुंच जाए और उन लोगों के लिए प्रेरणा बने जो अपनी जिंदगी में वो छोटे छोटे काम को असंभव मान चुके हैं और प्रयास करना छोड़ चुके हैं। सो आई होप कि आप अपने हर काम को संभव बनाइए, प्रयास कीजिए और अपनी जिंदगी में एक सफल व्यक्ति बन के दिखाइए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।